के गांव किसरेंटी में सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने से टीचर्स के ट्रांसफर के बाद मर्ज करने पर सरकारी स्कूल बचाने की मुहिम के चलते कई दिनों से चल रहे सरकारी स्कूल में आप पार्टी के धरने पर हरियाणवी गानों पर महिला डांसर द्वारा अश्लील डांस करवाया गया। महिला डांसर द्वारा अश्लील डांस का वीडियो शूट करते हुए बीच में ही आपके कार्यकर्ता मीडिया पर्सन को रोका। वीडियो में अश्लील डांस का वीडियो न बनाने को कह रहे हैं, साथ में सरकारी स्कूल बचाने के नाम पर चंदे की आप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पर्चियां काटी जा रही हैं। आज धरने पर आप पार्टी के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनु कादियान भी पहुंची। आप पार्टी के स्कूल में धरने का संचालक कर रहे आयोजकों ने भीड़ को धरने पर जुटाने के लिए डांसर्स को बुलाया और भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले 20 दिनों से आप पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता स्कूल बचाने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अनु कादियान ने कहा कि सीएम को टीचर और अध्यापक में फर्क पता नहीं। वे कह रहे हैं टीचर्स की संख्या ज्यादा है, अध्यापकों की संख्या कम है। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि फिजिक्स का टीचर मैथ पढ़ा सकता है, ये कैसे संभव है। मैं हरियाणवी सिंगर हूँ, मुझे कहा जाए आप गुजराती में गाएं तो मैं नहीं गा पाऊंगी। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे, जनता के साथ हम खड़े हैं। हमारा स्कूल बंद करने के खिलाफ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा ये सब झूठे मामले हैं। रोहतक से विकास ओलियान की रिपोर्ट। में मौजूदा सरकार का कहना है कि स्कूल और शिक्षा पे अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे होते तो आज ये प्रदर्शन नहीं हो रहा होता। बताइए आप क्या अच्छा कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि अध्यापक और टीचर अलग अलग होते हैं। तो मतलब उनका कहना है कि भी स्कूल में ना टीचर ज़्यादा हो गए, टीचर कम थे, अध्यापक ज़्यादा हो गए थे, इसलिए स्कूल मतलब मर्ज कर दिए। तो बताइए आप जिस स्कूल में प्रोटेस्ट चल रहा है कि पोस्टिंग भी कर दी गई है। देखिए जिस तरह से मतलब भाई पोस्टिंग का नाम ले रही है वो सरकार ना अपना बचाव कर रही है। आप ये बताइए मतलब ये कह रही है कि भी जो फिजिक्स का टीचर है वही मैथ पढ़ाएगा, तो मतलब ये क्या लॉजिक है? मैं खुद सिंगर हूँ तो इसका मतलब तो ये हुआ अभी कोई मुझे ये कहे कि आप हरियाणा छोड़ दो आपको सोंगा हो जाए, मुझे भाषा ही नहीं पता तो मैं कैसे करूँगी। तो क्या हरियाणा पूरे हरियाणा भर में ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रहेंगे? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या मानेगी? कैसे नहीं, जनता को मनाना आता है और हम जनता के साथ खड़े हैं। आप पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किस पे लगे हैं? अभी मनीष सिसोदिया जी की सीबीआई जांच हुई थी, ईडी जांच हुई थी, तो मतलब 100 रुपए का नोट इलीगल नहीं निकाल पाई केंद्र सरकार। दिल्ली से आपके विधायक अमानतुल्ला को गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वो मैं देख नहीं पाई हूँ तो नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम चल रहे थे, मैं प्रोग्राम से।